वेलकम टू माय चैनल हमारी डेली लाइफ। मैं मीरा, मैं साक्षी, पूरा हाथ छोड़ के वेलकम भगवान जी। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है, नमस्कार करती हूँ। और जाइए आप सब, द साक्षी लाइफ चैनल है यूट्यूब, वहाँ पे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उनका भी शेयर भी करिए, पर उनका भी वीडियो जाके देखिए। और ये भी वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और वीडियो पर देखिए जरूर पूरा। और आल्सो गो एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम द साक्षी लाइफ एज वेल एज हमारी डेली लाइफ। तो चलो डे 10 है, फॉलो करना है, फॉलो करिए। डे 10 है, 10-9 है, आज है 10वां दिन। डे 10 10 10। तो बताओ कौन कौन नॉमिनेट हुआ। नॉमिनेट में देखे, मैं सो गई तो मेरे दिमाग से उतर गया। फर्स्ट नेम विशाल कोठीवाना। मजाक कर रही थी यार, मैं सोच रही देख रही थी कि ये इनको यहाँ पे ही नहीं। चलो दूसरे नाम बताओ। है वो है विधि, और विधि पांडे। हाँ। अक्षा सिंह। अफसाना। विशाल, फिर विशाल बोल दी। वो क्या है, वो विशाल ही तो है। विशाल पहले बोल दी ना, विशाल कोठीवाना। अच्छा, वो कोठीवाना मत बोला करो खाली। ईशान। हाँ, ईशान को तो जाना जरूरी है, इतने लोग नॉमिनेट हैं, बहुत जरूरी है जाना। मायसा नहीं हुई आउट तो चलो ठीक है, मायसा रहे, लेकिन ईशान जाए। इतना भद्दई, इतना भद्दई कौन करता है भाई। फैमिली यार वो शो है, कोई मतलब ऐसा वो रोमांस वाला शो नहीं है। रोमांस। अरे इंसान, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन सब मिलके देखते हैं ये शो। अगर इस तरीके के लोगों को तो बिग बॉस को खुद निकाल के बाहर कर देना चाहिए। तो पर्सनालिटी दिखा रहे हैं क्या, ऐसा पर्सनालिटी क्या है ये, ऐसा पर्सनालिटी तो मतलब जनता निकाल सकती, बिग बॉस नहीं निकाल सकती, क्योंकि तोड़ा फोड़ी नहीं मचा रहे हैं। ऐसी पर्सनालिटी तो क्या है ना, विदेशों में शायद अपना पर्दा हो गया है, लेकिन अपना देश एकदम बर्बाद होते चला जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कल का ना मुझे मतलब क्या मैं बोलूँ, मुझे इतनी गुस्सा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि अगर मेरा बस चलता तो मैं टीवी के अंदर घुसती, अब मायसा को और ईशान को पकड़ के और निकाल के बाहर फेंक देती अगर मेरे बस में होता तो। इसीलिए तो बिग बॉस आपके बस में नहीं है, कैसे किसी को उठा के नहीं कर सकते। जनता जब तक उनके फैंस भी जिंदा है। अरे रहे, फैंस अंधे हैं, फैंस के यहाँ फैमिली नहीं है। अभी भी वोट हो रहा है क्योंकि सबसे नीचे अफसाना चल रही है, सिंगर मोटी। वही तो गलत है ना, आज के समय पे हो क्या रहा है आज के लोगों को, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आज के लोगों का हो क्या गया है, ये जो सोच होता है वो कहाँ चला गया है। अरे भाई कम से कम इतना तो सोचो, जाओ उनके ही फैन हो, उनके घर में बहन बिटिया माँ बाप सब एक साथ बैठ के नहीं देखते हैं सो। अरे इतना तो सोच के रखो, तो ऐसे में लोग को तो निकाल दो भाई, जाओ। और इतना ही आप लोग के अंदर आग बढ़ी हुई है तो जाओ बाहर, धोखे दोनों जन निकलो। हाँ, सेकंड जो लड़ाई के बाद में आते हैं, क्योंकि कल तो बस पूरा एपिसोड ऑल अबाउट द नॉमिनेशन था कि लड़ाई होकर ये होकर वो होकर ऑल ओवर ये से। फिर अब टास्क हो रहा है जिसमें चौकीदार और वो वाला टाइप का टास्क चल रहा है, मतलब हो चुका है। तो लेकिन अभी आज शाम को देखे उसका कुछ अपडेट बता दे। तो पहला तो ये लोग ने ग्रुपिज्म करा, और इसी बार बोल दिया गया था ये लोग मतलब करण में हैं, क्योंकि उस तरफ के ऑफकोर्स करण, जय एंड एक लड़की थी आई थिंक वो अक्षा थी, हाँ अक्षा थी, वो तीनों ने किया है कि चलते हैं। और फिर एक को लेकर तीनों को अलग अलग रखना ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन आप अगर आप फिजिकल उधर मना करती हो कि आज फिजिकल नहीं होगा, मतलब आप चाहे कुछ भी करना है फिजिकल नहीं जाना है। पर जिसको लोग लेकर आए थे वो पटक के मार नहीं रहे नहीं थे। तो ये भी अलाउड नहीं कि आप उसके ऊपर कपड़ा डाल के चादर डाल के लोग फनी कर रहे थे, और ये फनी कुछ नहीं है, खींच के थप्पड़ मार देंगे हम लोग उधर वाले। ऐसा ऐसे मालूम है उसको जबरदस्ती किसको कहा जाता है कि चद्दर रखो देख दबा की वही हो रहा है। नहीं, मजाक नहीं हो रहा, मैं देखा था कि करण ऐसा पकड़ के खड़ा था। हाँ। उसके नीचे बैठा था विशाल, वो उसके ऊपर चढ़ गया था, जय चढ़ा नहीं था, वो भी साइड में बैठा था। बैठा कहाँ, कौन सा वाला सीन देखी मैंने वहाँ देखा, जब वो प्रतीक आके बोला कि तू अरे उठ के चल नहीं सकता, तू बोल नहीं सकता, मिला रहा है उसके बाद वाले में था। तो अब तुम कहीं पे देखी, मैं जो देखी हूँ वो मुझे पता है कि वहाँ पे वो लोग फन करते हैं। सेकंड वो एकदम वर्स्ट था मेरे लिए, तो एकदम बेकार था, क्योंकि आप पहले एकदम बदतमीजी पे उतर चुके हो, तो ये भी रेडी रहो कि जब आपके साथ बदतमीजी हो तो फिर सलमान कोई नहीं होते हैं बोलने वाले,
तो वहाँ पे ये मत बताएं बड़ा सेलिब्रिटी कौन है और छोटा सेलिब्रिटी कौन है। किसको बोल रही हूँ? अभी मैं जय की बात कर रही हूँ। अच्छा हाँ, राइट नाउ जय है, क्योंकि जय का थोड़ा पहला हफ्ते गाली दिए माँ पे, तो उधर बोल दिए कॉलर पकड़ लिया। ठीक है, कॉलर पकड़ लिया, कल तो कॉलर नहीं पकड़ा, कल तो कुछ भी नहीं, मुंह से बातें हो रही है, वो भी इतना डिस्टेंस में बातें हो रही है, वो भी बोल रहा है तुमने शमिता को पकड़ा, और शमिता ने खुद बोला कि हाँ मुझे ये पकड़ा, और सामने भी बोली कि तुमने मेरा टांग पकड़ के खींच लिया, तुम्हारा उंगली का नेल मेरे पैर में लग गया, बस इतना बोल के वो तो ये भी सेम बात वही बोला। तुम्हें उसने भर में तुम जान गए हो कि उसको माँ की गाली देंगे तो वो भड़केगा, ऑफकोर्स भड़के, क्यों तुम्हारी अब बेटी को ला दें या तो तुम्हारे फैमिली वाले को ला दें, तो तुम देखो कौन से लेवल में जाओगे। और कहते हो पहले सीजन में बहुत कुछ हुआ है, पहले सीजन में माँ की गाली कभी नहीं हुई, नहीं ये इसमें 14 में तो कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा सनक सिद्धार्थ शुक्ला का और उसका अलग कॉपी करना, कॉपी करने पहले का है, ये भी देख लो वो कौन से लेवल पर करते थे। सिद्धार्थ शुक्ला ये नहीं करता था हर बात पे किसी के माँ के ऊपर चढ़ जाना, तो माँ पे चढ़ गया उसके बाद कह रहे हो कि हाँ, ये चीज थोड़ा सा जय का मुझे भी नहीं समझ में आया था। तेज करेगा तो मैं इतना, अब तुम आवाज पे कर दे, उस समय कॉलर पे नहीं, आवाज तो तुम भी आवाज करो भाई, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो आवाज करो, लड़ाई करो, जो प्रतीक बोल रहा है वही तुम बोलो, तुम कुछ और बोल सकते हो, अरे साले बोल दो कुछ और बोल दो, जरूरी है कि माँ ही घिसेट के ले आ दो बेटी को, ले आ दो और बहन को? मुझे तो ये चीज नहीं समझ में आया जय का, क्योंकि जय ऐसे सोचेगा तो माहिर है हर जगह भाई, नाम है, तुम यहाँ आके अपना नाम बर्बाद करोगे तो कर ही रहे हो। दूसरा हफ्ता स्टार्ट हो गया, तुमने फर्स्ट हफ्ते में एकदम चीप गिरी करी, तो समय तो उसकी भी गलती थी, इस बार तुमने खुले में तुम बेकार दिखे हो एकदम, क्योंकि उस तरफ से तो कुछ हुआ ही नहीं, मारा बेटी कुछ हुआ ही नहीं, ये चीज थोड़ा सा। और अगर इस बार नहीं सलमान डांटते हैं तो ये नेक्स्ट लेवल पार्शियलिटी हो ही जाएगा, कि अगर आप उसके साथ काम किए तो इसका मतलब आप उसको नहीं डांटेंगे, तो वो अब वीकेंड के बारे में पता चल जाएगा, अगर नहीं डांटेंगे ऑफकोर्स है इसमें पार्शियलिटी बात आई जाएगी, क्योंकि आप अगर पहले माँ 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 अगली बार डांट दिए होते तो इस बार ये गाली नहीं आई। हाँ, जैसे सबको मिला तो उसे इसको भी डांट उसी समय मिल जाना चाहिए था, उस समय तो थोड़ा लेवल नहीं है, लेवल नहीं है हम लोग को, तो काम करना है, इसको नहीं काम करना, आपको काम करना है, ये काम करके आप काम करोगे गाली देकर, खुद की भी बेटी है, खुद की भी बेटी, आपकी बेटी को कोई गाली दे, आपकी बीवी की गाली, ऑफकोर्स माँ की गाली उसको देगा तो उसकी बेटी है, माँ की होगी ना आपकी बीवी की, तो सबसे बेकार गेम इसमें। जैसे अगर ईशान और मायशा की बात करेंगे इस टाइप से, तो इनका बात करेंगे जब ये मुंह खोलता है, वैसे तो कभी दिखेगा नहीं, नॉर्मल चीज में दिखता नहीं, ऑल अबाउट करण ही दिख रहे हैं, तेजस्वी भी दिख रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे नहीं दिख रही है, मतलब इस टीम से यही दो लोग दिख रहे हैं, विशाल दिख रहे हैं खेलने में भी और काम में भी। काम में मैं ये देखती सुबह ऐसे है करण चाय बना रही है, 12 जन को चाय बनाना, कायदे से फिर सबको बुलाना चाय पीने को, तेजस्वी है नाश्ता तो, पानी, और ये कभी कहीं दिखता भी नहीं कोई काम वाले में, और सेकंड जब गेम आता है तब भी नहीं बोलेगा, कोने में रहेगा, सबकी बात सुनेगा, लेकिन जब लड़ाई की बात आएगी तो प्रतीक का बात आता है वहाँ पे, ये पता नहीं इसका प्रतीक का क्या दुश्मन, पुराने सीजन का बात बता देता है कि उसमें 13 में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पता नहीं कौन सा 13 में तो लड़ाई हुआ भी था, लेकिन माई बहन हर वक्त नहीं आए थे, एक बार पारस किया था, कौन से टाइम पे किया था, 4 महीने बाद किया था ना, कि स्टार्टिंग नहीं, आसिम हाँ वही चीज है, आसिम को एक बार बोला था जिसके लिए इतना डांट खाया था, और ये पहले हफ्ते में बोले इनको नहीं डांटा गया, इस बार में 14 में तो सिर्फ वो तो मजाक नल्ला, तो वो पप्पू सिंगर, तो वो रुबीना चुबीना, मुझे और तो कुछ मतलब गाली ऐसा कुछ आया ही नहीं था। तो ये कौन सा सीजन देख के, क्योंकि मैं पूरा सीजन देखी हूँ, मैं 11 से देख रही हूँ, मम्मी तो पूरा देखी, मम्मी ने जब बोल रही नहीं है, मैं 11 से बोल रही हूँ, नहीं गाली दिया गया, जो गाली दिया है वो निकल गई है, लड़की हो वो मुझे नाम नहीं जल्दी याद रहता किसी का, और वो दो एक लड़का था वो सब गाली दिए थे, उनको सबको पहले ही निकाल दिया जाता था कि तुम गाली दे रहे हो तो तुम इस लेवल पे जा रहे हो, तुम निकलो यहाँ से, आउट हो यहाँ, तो पहले आपको देखिए हाथ जरा सा उठाने में धक्का देने में निकल गए हैं, लेकिन इस बार तो मुझे लग रहा है कि ये लगता है 200-400 का थोड़ा थोड़ा मिला के 100 में आया है अपना। अब बार बार पुराने सीजन का क्यों दे रहे हो तुम, अभी जिस सीजन में उसको संभाल लो, अगर टिक जाओ नहीं तो फिर वो तो तुम आउट ही हो जाओ, ये बात बराबर, तुमसे भयंकर कंटेस्टेंट इस घर में, अगर पुराना मत दो अभी का देखो कि अगर तुम्हें क्या करना है, नहीं तो फिर अपनी लाइफ तो खुद ही तुम बिगाड़, यहाँ से निकलोगे अभी एक दो हफ्ते में
तो तुम्हारा कोई इज्जत नहीं रहता। साथ में लास्ट तक भी जाते हो ना, हर बार अगर यही गाली देते रहोगे एक एंकर का तुम्हें काम मिलता था, पता चला कि वही एंकर हो चला। वही कह रही हूँ कि अगर हो सकता है कि एंकर के लिए मुझे ही बुला ले, मैं ही पहुँच जाऊँ। जैसे अगर थोड़ा बहुत जैसे आरती को लास्ट तक लेके गए थे, अगर इसको भी लेते जाते हैं, लेकिन ये विनर कभी नहीं बनेगा। नहीं, अगर ये गाली देता कंटिन्यू, वो नहीं है। और वैसे नहीं, अभी से लग रहा है कि नहीं बनेगा, ये विनर के लिस्ट में नहीं, टॉप 5 में चले जाएंगे। इंसान के अंदर ना सब्र बहुत बड़ी चीज होती है, ये बात है। हाँ। और ये सबसे ज्यादा करण में सब्र होना चाहिए, और करण वो जो है करण कुदरा उसके अंदर है, तेजस्विनी के अंदर भी है। अभी तो दिख रहा है, नहीं अभी कुछ नहीं, तेजस्वी के अंदर कुछ नहीं दिख रहा, नहीं है, नहीं दिख रहा अभी भी है। अगर कोई उधर आ जाता है तो उसको बहुत प्यार से, आपने देखी ना शमीदा सिल्दर, वो क्या किस टाइप चलता है बेबी, वो किस टाइप लड़ती है, वो जान रही है अपने ऊपर से लड़ेगी तो वो फिर नीचे गिरेगी, तो वो अपने लेवल के हिसाब से लड़ेगी ना। उतना चलता है लड़के के सामने, तो लड़ नहीं रही है, नहीं, उतना नहीं। चलता है उतना। देखो अगर आई है, अगर नहीं करेंगे तब तो मैं तो वो सब उनको पसंद ही नहीं कर सकती ना। तो भैया तुम अपने लिए क्या बोलते हैं, वो ही खड़ी नहीं हो पा रही हो, वैसे तो फिर मैं इसको भी बोलूंगी सब्र है। किसके? प्रतीक को है। सब्र नहीं है उसके अंदर, सब्र नहीं है, बिल्कुल नहीं, सब्र नहीं हो, क्या छुलछुली है उसके अंदर, हर वक्त वो क्या होता है कि फुलझड़ी मार के पकड़ाए रहता है शो में, शाइन कौन कर रहा है? वो शाइन तो सब कर रहे हैं, कोई नहीं कर। फिर वही आप तो एकदम पता नहीं, आप भी कौन सी शो देख रही, जैसे वो पता नहीं जाए कौन से में है, वैसे आप कौन से शाइन सब तो बिल्कुल नहीं, नहीं शाइन सब कर रहे हैं वो, उसके अंदर फुलझड़ी हर वक्त जली रहती है, इसलिए वो जाके भिड़ जाता है। पर जय गलत है तो मतलब गलत है, उसको मैं नहीं ले रही हूँ पक्ष उसका, गाली दिया है तो गाली मैं तो, पर ये है कि प्रतीक कहीं गंगा धुला हुआ इंसान तो मैं ये है। तो वैसे तो कोई नहीं धुला, कौन सा वो गाली नहीं दिए, करण कुंद्रा नहीं दिए, कौन सा तेजस्वी बड़ी कब दी गाली भाई, अभी तक वो लोग बेचारे अच्छा गाली नहीं दिया, वो बहुत भयंकर तेलना और ये सब क्या होता है, गाली के अंदर आता है, ये कोई फूल नहीं बरस रहा है, नहीं वो सब गाली नहीं। पहले मैं करण को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि वो भी गाली दिए, गाली नहीं होता वो सब, तो ऐसी बात होती है। अच्छा मम्मी के लिए कॉमन ये सब बातें हैं, तो मम्मी को ये चलेगा, लेकिन मुझे ये नहीं चलेगा ना कि कॉमन वाले भी ये बातें हैं। और एक चीज मुझे नहीं पसंद आ रहा है, उसका निशान जो है शमिता लोक के साथ, वो वाला निशांत, विशाल निशांत क्या नाम है उसका, उसका मुझे ये नहीं पसंद आ रहा है अब, या तो उसका डबल ढोलकी है। हाँ डबल ढोलकी है वो, प्रतीक के साथ रहता है तो कुछ करता है, उधर जाके जय के पास भी बैठ के कुछ और बात करता है, बीरा से कुछ और अपने बात करता है। ऑल ओवर पता है कब गेम पता चलेगा, समझ कब आएगा, जब इस घर में आ जाएंगे सबके सब एक साथ रहने लगे, तभी पता चल जाएगा जब नॉमिनेशन की बात आएगी, किसका हितैषी है, कौन किसका दुश्मन है, सब पता चल, सब दिखेगा। और ये मोटी जो आई है ना, ये तो लगता है इस बार चली जाएगी, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वोटिंग में कल से रात भर में सुबह अभी तक में सबसे नीचे आई है। ऐसा पलटू इंसान, ऐसा पलटू इंसान, अरे तुम सबका इज्जत धो दे रही हो। उसके बाद जब प्रतीक और निशान बोलते हैं जाओ तुम सॉरी बोल दो, गलत तो बोला गलत तुम बोला तब आगे सॉरी क्यों, तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम इसके लिए तो बोल रहे हो कि मैं यहाँ एंजॉय करने आई हूँ, शो जीतना मैं नहीं शो जीतना मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ पहली बार अगर एंजॉय करना है तो जाओ ऐसे एडवेंचर में पिकनिक मनाओ, कहीं और पिकनिक मनाओ। हाँ, मैं कह नहीं रही कि पहली बार ऐसा होगा सीजन में कि मैं मतलब जो विनर बनना नहीं चाहता है, कि ट्रॉफी नहीं लेना चाहता बस। हाँ नहीं एंजॉय करने के लिए बिग बॉस का कोई वो तो है नहीं भैया, खाने पीने आई हूँ, बिग बॉस का खाना खाओ और परेशानी बढ़ाओ, इससे अच्छा है कि जाओ तो एंजॉय कर देंगे इस बार। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस बार अगर निशान को दुनिया का लास्ट इंसान रहे ये कि वोट करना है तो मैं तो ना करूँ, मुझे एक ईशान को एक इसको ये मोटी को, इसका नाम मुझे नहीं याद आता है, नहीं पसंद, मैं वोट नहीं करूंगी, लेकिन मैं बुरा भी नहीं बोल रही क्योंकि कुछ नहीं है ना, वो मुझे दिखती है ना मुझे किसी चीज में भागी, मुझे उन लोग के बारे में बात ही नहीं करना क्योंकि समझ में नहीं आती है। हाँ, बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं वोट की ऐसा नहीं है, वोट की हूँ, मैंने वोट किया है विशाल को। हाँ मैं भी विशाल को, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो मेरा फेवरेट नहीं, उसमें आउट है कोई भी नहीं है, तो हम लोग किसी और को करें जो उसमें से ठीक लगेगा, उसमें से ठीक लगे। हम ऐसे नहीं बोल रहे कि फालतू का कोई वोट विस्तुर करना, वो मुझे नहीं समझ में आता है। अब जैसे पता है क्या होगा, ईशान क्यों बच सकता है, जो मायशा की भी ऐसा नहीं कि उसकी फैंस ही नहीं, मायशा के शो पहले इतना शो कर चुकी है, इसको शो नहीं किए तो उधर वाले लोग इसको दे सकते हैं, देंगे वो सब तो देखने चाहिए ना कि अपने, तो वही चीज है ना कि मायशा के फैन हो या ईशान के फैन हो, सब अंधे हैं,
सबको दिख नहीं रहा है कि लोग कर क्या रहे हैं, एकदम एकदम चीप बना दिए हैं। इतना वो डीटी में नहीं हुआ था, वो डीटी इसीलिए कहा गया था कि यही टाइप का ये शो है, मतलब उसमें नहीं हुआ। अब बिग बॉस फैमिली देखती है, कट कर दिया गया था, वो सर्वर बंद कर दिया गया था तब भर में, इतना मतलब लाइव फीड में तो दिखा दिया गया, इसलिए वीडियो तो बाहर निकल आया है। लेकिन जो मेन फैमिली जब बैठ के देखती है, टाइम वाले जो रहता है, तो उस टाइम के लिए उसको बंद कर दिया, मतलब वो काट दे रहे हैं। वो गलत बात है, ज्यादा करके दुनिया बहुत आगे बढ़ चुका है, सब एयर हो यूट्यूब का भरा लेता है, तो सब सब देख रहा है, ऐसा नहीं है शो में आप इतना। पर ये है कि मुझे यही एक ही चीज शिकायत है, जनता से भी है, बिग बॉस से भी है। तो अगर बिग बॉस भी थोड़ा सा अगर टाइट हो जाए तो देखो, ये अपने बिग बॉस पता नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते बिग बॉस, क्योंकि जनता तो क्या कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। कि दो को निकालने का होता तो मजा आता, लेकिन दो को निकालना होता ना, कैसे करेगी? ये पंजाब से जो आई है, जो कौन अल्लाह शरीफ शरीख हम करत रही है अफसाना, ये जाए और एक के वही हो जाए। लेकिन पता है दिखावे वाला एकदम लोफर, एक जाएंगे इस बार, इसलिए और टफ होने वाला है, क्योंकि चाहे कुछ बोलो तो अफसाना, मतलब चाहे जो भी बोल रही है, लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि शो में जो बोलने का, जैसे विधि विधि को अगर वो टाता है, क्योंकि तेजस्वी के साथ रहती है ना, तो विधि के तेजस्वी के कुछ लोग जो साथ में बहुत, जैसे आप भी तेजस्वी को पसंद करते हो, लेकिन आप विधि को नहीं करती तो आप नहीं कर रहे, लेकिन कुछ है जो मतलब करेंगे, ये पता है कि कुछ जो उसके पास वाले बहुत ज़्यादा एकदम रहेंगे कि नहीं उसकी दोस्त होनी चाहिए, तो विधि को देंगे। लेकिन देखा जाए तो अभी जितने लोग नॉमिनेट हुए हैं, उनमें से एक्सेप्ट विशाल, सब लिद्दड़ नॉमिनेट हुए, जितने लिद्दड़ हैं सब साथ हैं, एकदम वो चल रहा है, इसीलिए तो चलता है, देखते हैं। अभी देर न करते हुए वीडियो को खत्म करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड बेल आइकन दबाइए दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंचे, और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें द साक्षी लाइफ एंड हमारी डी लाइफ, और साक्षी का यूट्यूब चैनल है वो भी लाइव जाके सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छा अच्छा डालती है। लेकिन मेरा धर्म है बोलना, आप सबका है, आप लोग करो ना करो, लेकिन मैं तो बोलती ही रहूँगी। और ये भी वीडियो देखिए, इस पर भी सब्सक्राइब करिए, अरे कम से कम नहीं तो ये बिग बॉस ख़त्म होते होते मेरा भाई 50,000 टारगेट में रखी, उसके 50,000 तो सब्सक्राइब करवा दीजिए आप लोग, 50,000 हो जाए तो समझ लो। सपोर्टिंग प्रतीक शेषपालन करण खुंद्रा, क्या वो क्या बोले मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपनी तरफ बोल रही हूँ कि सपोर्ट करिए इनको, तेजस्वी को, करण कुंद्रा को, सॉरी प्रतीक करण कुंद्रा, सबसे अच्छे यही दो कंटेस्टेंट हैं, सदस्य जो होते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आगे आप सबका विचार है, जबरदस्ती किसी का हाँ, नहीं, ये इंडिया है, एक यहां चीज़ तो सबका मन सबका बात रखना धर्म है। खत्म होने से पहले कि जो मेरा हाँ वीडियो पे बोला था, एक लड़का आया था अभिषेक सिंह करके, तो मिस्टर मैं आपको तुम्हें सॉरी तू बोला था, तो तुझे मैं बता दूँ कि जो तेरा फेवरेट है जरूरी नहीं कि मेरा भी वही फेवरेट हो, तो ठीक है मेरे कैरेक्टर और मेरे फेस और मेरे ये सब पे जाने की कोशिश भी मत कर, अपने काम से काम, समझ में आए? क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि जो तुम बोलोगे वही मैं बोलूंगी, नहीं 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 अच्छा प्रतीक नहीं है ये, नहीं, मेरा फेवरेट है तो है। देखिए माँ बेटी हम दोनों साथ में बनाते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम लोग दूर दूर अलग अलग के हैं, लेकिन विचार सबका अलग अलग होता है। मम्मी का तो नहीं फेवरेट है प्रतीक, हाँ, मेरा है तो उसमें तो है मेरा, क्योंकि ये जो देश है यहाँ पे हर किसी को अपना बात रखना जरूरी होता है, लेकिन आप किसी के पर्सनल नहीं जा सकते कि आपका फेस उसके जैसा, आपका नेचर उसके जैसा है, कि ये है मेरी बेटी बहुत अच्छा है, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है कि मैं उसको वो बताऊं, पसंद होता है जो वो पसंद अपना सब सबका अलग अलग है। पहले भी सीजन में हमारा मैच नहीं किया, मैंने अपने बच्चों को कभी ये जबरदस्ती ये नहीं करी हूँ, ना बेटे को अपने रोशन को, ना तो साक्षी को। तो चलिए इतना मैं बता दी और नाम लेके बताई हूँ ताकि तुम्हें भी पता चल जाए, हाँ। कि जैसे रेडी मार के तुम बोलोगे वैसे सबको, अगर तुम गाली देते तो सबको गाली भी देनी आता है, तो ये तो सभी ध्यान देना चाहिए, अरे मैनर्स में रहो भाई, क्या है लाइक भी नहीं किया तो उसका दिमाग देखो इतना तेज कि आए और कमेंट करने और कुछ भी कमेंट करने, अरे आए ही थे तो लाइक करके ही जाते, चाहे ही ऑफ कोर्स नहीं लाइक किया डिसलाइक ही करते, पर करके तो जाते सिवाय देखें और मेरे पे बोल कर गए और फिर मेरे दूसरे वीडियो पे जाके मुझे बोल के गया, मेरे से प्रॉब्लम है तेरी, नहीं वो जलता है शायद वो तुम्हारे जैसा सुंदर नहीं है इसीलिए। चलिए ठीक है, जय माता दी।